नमस्ते चाइल्डलाइन, चाइल्डलाइन फोन करने के लिए आपका धन्यवाद। जब भी कोई चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर संपर्क करके बच्चों की जानकारी दे सकते हैं। हमारी टीम के सदस्य वहां पहुंच के बच्चों को आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। This documentary is based upon the true story and we have not tried to insult or degrade any dead or alive individual. There are some disturbing scenes as they are very relevant, it is mandatory to show them. Motive of this documentary is to have more and more child rights savior in the society. This documentary is produced after obtaining permission and consent from Child Welfare Committee and Udaan Society. Section 74 of the Juvenile Justice, Care and Protection of Children, Act, 2015, which prohibits disclosure of identity of children, is also applicable in case of disclosure of identity of a diseased minor. एक बच्चा है जिसके के biological parents ने उसको किसी दूसरे को दे दिया और जिन parents ने adopt किया उसमें से माँ जो है extramarital affairs में किसी के साथ चली गई और father ने suicide कर लिया। फांसी लगा दी पापा ने। वो मकान वाले के सन मम्मी है थी। अब वो बच्चा जब फादर की सुसाइड के बाद में 3 महीने तक मकान मालिक ने रखा, मकान मालिक ने भी जब उसको नहीं रख पाए, वो उसकी केयर एंड सपोर्ट नहीं कर पाए तो उसके ताऊ ताई को दे दिया और कुछ दिनों बाद उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिया। वो बच्चा 6 महीने तक शमशान में सोया। किसी कॉलर के माध्यम से हमारे पास सूचना आई तो फिर वो बच्चे को हम लोगों ने लिया, यहाँ पे CWC में पेश किया और उस बच्चे का ऑर्डर भी हुआ कि उसको जो है शेल्टर दिलाया जाए। तो पिछले 4 महीने से वो बच्चा हमारे चाइल्ड लाइन में ही रह रहा है। पापा ने दे देखा, धन्यवाद। वो पापा फांसी लगा दे पूरी, पापा ने पूरी देखो तब लगा हुआ फांसी। मम्मी ने कपड़ा उतार के, काका ने उतार के वहाँ पे जराई में कमर ऊपर, मम्मी नीचे, मरत में जराई मेरे अपने हाथ थे, मामा है मेरे, नाना है, वो हैं, फूफा है, बुआ है और मौसी हैं। मुझे आई नहीं खबर नहीं गई मम्मी को। माई हैं, मामा हैं और हमारे बो हैं अजीता। ये चाइल्ड लाइन एक नेशनल लेवल टोल फ्री नंबर है 1098 और ये पूरे देश भर में काम करता है जैसे और दूसरे टोल फ्री नंबर्स काम करते हैं। इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से देश में लगभग 600 जिलों में बच्चों की सेवा की जाती है और इसमें ऐसे बच्चे जिनको कि किसी भी तरह से केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है वो सारे बच्चे इसमें आते हैं। चाइल्ड लाइन का काम ये होता है कि ये जब कभी भी किसी ज़िले से कोई कॉल जाती है तो वो एक कॉल सेंटर पर जाती है और कॉल सेंटर से फिर जो है जिस ज़िले का मामला हो किसी बच्चे से संबंधित, केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो किसी बच्चे को, तो वो कॉल वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी जाती है और वहाँ पे लोकल लेवल NGOs उस कॉल को देखती हैं, अपनी टीम के साथ में वहाँ बैठते हैं और 24/7 बैठते हैं। जब कभी भी एक कोई कॉल आती है तो उसके 1 घंटे के अंदर ये मैंडेट है कि हमको उस बच्चे के पास पहुँचना होता है। तो इसको पूरे देश भर में महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार चलाता है, चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन एक मदर NGO है उसके माध्यम से। अलीगढ़ में हम लोग उड़ान सोसाइटी के माध्यम से इसको संचालित करते हैं और पिछले लगभग 13 वर्षों से हम लोग इसको यहाँ पे चला रहे हैं। चाइल्डलाइन के माध्यम से उड़ान सोसाइटी के पास लगभग 4000 से ज़्यादा ऐसे बच्चे आए हैं जिनको कि जो घर से निकल आए, माँ बाप से बिछुड़ गए, भटक गए और वो अलीगढ़ में आ गए और वो पूरे देश भर के बच्चे हैं। इसके अलावा चाइल्डलाइन बहुत सारे अन्य काम करती है जिसमें केयर एंड प्रोटेक्शन के मसले हैं, चाइल्ड लेबर के केसेस हैं, चाइल्ड मैरिजेस के केसेस हैं, चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हैं, किसी बच्चे को एजुकेशन हेल्प चाहिए, मेडिकल हेल्प चाहिए, तो ये सारे बच्चे चाइल्ड लाइन में आते हैं। रेलवे स्टेशन पर एक चाइल्ड लाइन का बूथ है, वहाँ पर एक टीम बैठती है जिसमें 12 लोग बैठते हैं और एक टीम जो है वो बाकी कोलैबोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा ऑफिस है उड़ान सोसाइटी का, यहाँ पर बैठती है। पिछले साल रेलवे स्टेशन पर हमने 25 बच्चों को रेस्क्यू कराया जो कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केसेस थे। बाल कल्याण समिति महिला कल्याण विभाग द्वारा बनाई गई बालकों से संबंधित न्यायपीठ है।
जिसका कार्य व उत्तरदायित्व वह उसके समक्ष पेश हुए बालकों एवं बालिकाओं का संज्ञान लेना और उन्हें ग्रहण करना और CNCV बच्चा घोषित करना, बालकों की देखरेख और संरक्षण वाले बालकों को जेजे एक्ट के अधिनियम 2015 और आदर्श नियम 2016 के अंतर्गत कार्य करती है, जिसमें बालकों की देखरेख और संरक्षण से संबंधित कार्यों का निर्वहन किया जाता है। जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 जो लागू है उसी के अंतर्गत काम करती है। बेसिकली एक्ट में देखा जाए तो दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक होता है कन्फ्लिक्ट विद लॉ जो विधि का उल्लंघन करते हैं, मतलब जो कानून का उल्लंघन करते हैं, और एक बच्चे वो होते हैं जो देखरेख और ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं जिनको आवश्यकता होती है। अब जो देखरेख वाले बच्चे होते हैं वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष पेश होते हैं। ये एक जुडिशियल बॉडी है, इसमें 5 मेंबर होते हैं जिसमें एक चेयरपर्सन होता है 5 में से, और एक वूमेन का होना कंपलसरी है। और ये सब अलग अलग फील्ड से होते हैं, कोई एजुकेशन से होता है, कोई लॉ बैकग्राउंड से होता है, साइकोलॉजिकल ग्राउंड से होता है, अलग अलग सब अपने अपने, क्योंकि बच्चा हमारे सामने आ रहा है, किस तरीके का बच्चा आ रहा है तो उसको डील करना है हमें, उसको समझना है, उसकी काउंसलिंग करनी है। एक जैसे कि मैंने बताया कि वुमेन होना अनिवार्य है, क्योंकि ज़्यादातर वो इसलिए है, उसका मेन मकसद ये है क्योंकि नीट एंड केयर वाले बच्चों में लड़कियाँ भी होती हैं। अब हमारे यहाँ CWC को असिस्ट करने के लिए, आपने चाइल्ड लाइन का नाम सुना होगा 1098, वो एक हेल्पलाइन है। एक हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट होती है, वो JJ एक्ट के अंतर्गत होती है, और एक हर थाने के अंदर पुलिस बाल कल्याण अधिकारी होता है, मतलब उसको कहते हैं वेलफेयर पुलिस ऑफिसर बोलते हैं उसको। और CWC जो है एक जुडिशल बॉडी है, वो किसी के अधीन नहीं है, उसके पास फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर है, उसने बच्चों से संबंधित कोई भी अगर ऑर्डर करेंगे, बच्चा अगर 18 वर्ष से कम है तो वो जो है अगर CNCP होता है उससे संबंधित CWC कोई भी ऑर्डर कर सकती है उसके रिहैबिलिटेशन के लिए। ऐसे ही एक केस में बताऊं, जो एक बच्ची हमारे यहाँ रह रही है, आसाम के सोनितपुर ज़िले से आती है, और सोनितपुर ज़िले में वहाँ पे उसकी मदर एक्सपायर हो गई, और जो स्टेप फादर थे, मदर ने दूसरी शादी की थी, स्टेप फादर जो है एक चाय के बागान में काम करते हैं, वहाँ से कुछ उस गांव से 5-6 बच्चों को लाया गया और उनको ट्रैफिकिंग करके जम्मू में सेल कर दिया गया। मामी ये हो गई, मर गई, पापा है, बहन है 8 साल की, इसलिए मैं घर में ये देख के मैं बाहर निकली थी काम करने के लिए। एक भैया लेके बोला काम लगवा दूँगी बोल के, और कश्मीर लिया और मेरे को जम्मू में बिक्री कर दिया। 1 साल हो गई वहाँ काम करके, फिर पैसा ऐसा कुछ नहीं मिला, वहाँ से ऐसे मैं भाग के आ गई। भाग के गई वहाँ बोला पुलिस लोग गुवाहाटी की ट्रेन कब जाएगा, और लोग बोला दिल्ली में ट्रेन मिलेगा, गुवाहाटी का यहाँ का नहीं है, तो लोग मेरे को दिल्ली का ट्रेन में बिठा दिया। वहाँ से बैठ के आ गई, यहाँ एक भैया से मुलाकात हुआ, वो बोला छुट्टी कहाँ जाओगी, तो मैं बोला मैं गुवाहाटी जाऊँगी, मेरे को घर जाना है, मेरे को कहाँ जाना नहीं है। इस दिखे एक बार 1 साल हो गई, वो दिन से किसी से मिली नहीं घर दिए से। वो बच्ची 7 महीने तक जम्मू में रही, और उसके बाद में वो किसी तरह वहाँ से निकली। जब उसको कोई पैसा नहीं मिला, कोई उसका सपोर्ट नहीं हो रहा था, कोई उसके घर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो वो किसी तरह वहाँ से निकली एक दिन, और जम्मू से ट्रेन में बैठ कर दिल्ली आ गई। दिल्ली से फिर उसको जो है ट्रेन में बैठा दिया गया आसाम वाली में, और एक कोई बंदा मिला, उसने अलीगढ़ में उतार दिया उसको। 4 महीने तक उसने अपने पास रखा, फिर पुलिस के माध्यम से, थाना खैर के माध्यम से वो बच्ची हमको मिली, और स्टेप फादर ने लेने से इनकार कर दिया, वो इतना गरीब है कि वो आ भी नहीं सकता, तो वो आने की स्थिति में नहीं है। तो उसके नाना नानी से संपर्क किया, उसके 2 भाई जो नाना नानी के पास रहते हैं उनसे संपर्क किया, उसके घर पर पहुँचाने की कार्रवाई हो रही है, वहाँ से रिपोर्ट सारी आ गई। वापस शायद 1 साल बाद चाइल्ड लाइन की मदद से अपने घर जा पाएगी। CWC के सामने मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस भी आते हैं, कई बार देखा होगा, जो मतलब पिछड़े राज्य हैं वहाँ से कुछ लड़कियों को उनके माता पिता की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण उन्हें कुछ पैसों का लालच देकर वो लोग क्या करते हैं, काम के बहाने लड़कियों को ले आते हैं। अब क्या होता है, जब जिस काम के लिए आते हैं वो फिर उन्हें दूसरे कामों में ढकेल देते हैं, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह में,
या फिर अलग तरीके उनका बहुत उत्पीड़न किया जाता है। पिछले 4 सालों में हम लोगों ने 92 केसेस चाइल्ड मैरिज के हमारे पास आए हैं, जिनको कि हमने उनको बच्चों को मदद की है। अभी हाल फिलहाल में ही हम लोगों ने एक चाइल्ड मैरिज के केस में अलीगढ़ में पहली बार हुआ है कि FIR दर्ज कराई है। एक भाई ने शिकायत की कि उसकी बहन की चाइल्ड मैरिज उसकी माँ ने कुछ लोगों के साथ मिलकर कर रही है। तो ऐसे बहुत से अनगिनत केसेज आते हैं जो मतलब जहाँ लगता है कि CWC को एक्शन लेना चाहिए, और हम तो कहते हैं जिस पर्पज़ के लिए हम बैठे हैं यहाँ पर, वो हमारा दायित्व बनता है कि हम किसी बच्चे को उसके उसका हक दिलाएं, उसे जस्टिस दिलाएं। आप सब लोगों से भी एक दरख्वास्त है कि अगर आपको कहीं पे कोई बच्चा मिलता है और उसको मदद की ज़रूरत है तो ज़रूर आप लोग 1098 चाइल्ड लाइन का नंबर है, इसको याद कर लीजिए, इसको मिलाइए, शायद आपकी एक कॉल किसी बच्चे की बहुत ज़्यादा मदद कर दे और उस बच्चे को एक नया जीवन दे दे। According to United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, reports, the most common form of human trafficking, 79%, is sexual exploitation worldwide. The second most common form of human trafficking is forced labor, 18%. Worldwide, almost 20% of all trafficking victims are children. According to National Crime Records Bureau, NCRB, up to 44% of trafficking incidents in 2021 in India involved children's.